गाइस, तो फिर आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बैठे बैठे मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने सोचा शेयर करता हूँ। इट्स नॉट ऑल अबाउट यू नो एवरी टाइम वी शुड टॉक अबाउट मनी और वेल्थ और ये वो। प्लीज लेट्स हैव सम यू नो बिगर थिंग्स। सो आई थॉट आई शुड शेयर दिस विद माई सब्सक्राइबर्स एंड माई यू नो ऑडियंस की। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम लोग गुलाम हैं? हम 10 10 घंटे 12 12 घंटे कुत्तों की तरह काम कर रहे हैं, लिटरली कुत्तों की तरह, ठीक है, पैसा कमाने के लिए, और एक झटके में खत्म हो जाता है। बट पैसा तो कभी था ही नहीं। हम तो पहले बाटर सिस्टम एग्जिस्ट करते थे। तू मुझे सेब दे, मैं तुझे जूता दूंगा, अंडरस्टैंड, राइट? तू मुझे ये दे, मैं तुझे वो दूंगा, डील करने की बात करता हूँ। ये पैसा कहाँ से आ गया, करेंसी कहाँ से आ गई? और ऐसा क्यों है कि जो बैंक्स हैं वो लोग जब चाहे पैसा सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं? ऐसा प्रिंट चाहिए, मतलब पैसा प्रिंट होता है यू नो, और जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं? सो व्हाट हैपेंड, हमें गुलाम बनाया गया बहुत साल पहले विद सेल्स कि भाई एक ऐसा सिस्टम बनाओ, ठीक है, जो सबको कंट्रोल करे। उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। पहले ना, पहले गोल्ड रिजर्व बेसिकली यूएस डॉलर जो होता था वो उतना ही प्रिंट किया जाता था जितना हमारा गोल्ड रिजर्व होता था। तो क्योंकि गोल्ड को बैक करने के लिए हम यूएस डॉलर बेसिकली बनाए कि इतना, अगर 1 करोड़ का हमारे पास गोल्ड है तो 1 करोड़ का यूएस डॉलर होगा उसको बैक करने के लिए, ठीक है, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक आएगा तो एक जाएगा सीधा। फिर उसके बाद क्या हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड से यूएस डॉलर को हटा दिया गया। तो अब यूएस डॉलर को कुछ कोई बैक नहीं कर रहा, ना गोल्ड ना कुछ, एवरीथिंग, राइट? नाउ जितना चाहे प्रिंट करो। गवर्नमेंट बोलते हैं मुझे 1 ट्रिलियन डॉलर चाहिए। बैंक कहता है ठीक है भाई, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लो, ठीक है, और प्रिंट कर दो, और हमारे इनको बॉन्ड बेच दो, और इनको एक जितने भी इन्होंने मांगे इनको दे दो। अब ये तो भाई हमारे साथ जाती हो गई। हैव यू एवर थॉट अबाउट अलास्का नोम में अबडक्शन हुई थी 1960s में, लोग गायब हो गए थे, कभी मिले नहीं, और जो मिले उनकी मेमोरी लॉस्ट। द फोर्थ काइंड करके एक मूवी है, देखना जरूर, बहुत अल्टीमेट है। सो व्हाट दे सेड कि एलियंस केम एक्सपेरिमेंटेड ऑन अस एंड उसके बाद उनकी मेमोरी लूज हुई, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सिमिलर थिंग हैपेंड लॉट ऑफ टाइम्स इन दिस वर्ल्ड, लाइक बर्मुडा ट्रायंगल, ओके, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बहुत पूरा दिन निकल जाएगा, मैं आपको खुद सर्च करना, तो जो कि अनएक्सप्लेनेटरी है, आपको नहीं पता कि वो कैसे हुआ, बस हो गया। इवन जो भीमकुंड है हमारा यू नो दिस बुंदेलखंड रीजन में झांसी के पास, उसमें बियॉन्सी लॉ जो होता है, लॉ ऑफ वाटर, बियॉन्ड लॉ बियॉन्सी लॉ, आई एम फॉरगेटिंग, वो काम ही करता उधर। जस्ट इमेजिन, कैलाश टेम्पल पे कुछ चढ़ा नहीं आज तक, माउंट एवरेस्ट पर। तो कुछ तो एलियन जैसी चीज़ें हैं ना हमें, जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम लोग। हैव यू थॉट अबाउट इट, बिटकॉइन किसने बनाया? नोबडी नोज। इथीरियम एवरीबडी नोज। इवन बिटकॉइन जैसी फंक्शनैलिटी है एक कॉइन की, जिसे कहते हैं जेड कैश, वो भी अनियन साइट्स और टॉर साइट्स पे बैक एंड पे यूज होता है, जैसे बिटकॉइन का नेटवर्क है। बट बिटकॉइन किसने बनाई, ये इंट्रोड्यूस किसने किया, नोबडी नोज़। व्हाई? 2008 की बात है और आज 2022 हो रहा है, आज तक किसी को पता ही नहीं चला क्यों। द रीजन इज कुड बी बिकॉज मे बी हमारे जो हायर ह्यूमन बींग्स, जैसे कहा जाता है कि यू नो एलियंस ने हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दी, अभी हमें पता ही नहीं उसके बारे में। यूनिवर्स, देयर इज मल्टी यूनिवर्स, देयर मल्टी वे, मल्टी गैलेक्सीज, इतनी चीज़ें हैं कि अभी हमें पता ही नहीं है, मतलब अनएक्सप्लोरेबल काइंड ऑफ स्टफ है हमारे लिए। अभी छोटी छोटी जगह गए हैं, मार्स वार्स गए हैं, ज़्यादा तो कहीं पहुँचे नहीं हम लोग अभी, ठीक है। अभी प्लूटो व्लूटो भी नहीं पहुँचे, वीनस भी नहीं पहुँचे, जिस दिन पहुँचेंगे उस दिन पता चलेगा कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और भी मेटल्स हैं। नाउ वॉट, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट। सो देर इज अ कॉन्सेप्ट सेज अनुयाकीस, अगर नहीं पता तो पढ़ना, देर इज अ चैप, देर इज अ बुक बेसिकली विच इज रिटन बाय एरिक डॉन वेनिकिन, एंड उसका नाम है चैरियट्स ऑफ द गॉड। अगर आपने बुक पढ़ ली, आपके दिमाग के अंदर मतलब दरवाजे खुल जाएंगे। आप मतलब यू से गॉड, आई से सुपर ह्यूमन, यू से गॉड, आई से सुपर एस्ट्रोनॉट, एक ही बात है, मतलब वो हमसे हायर थे। दे नो कैलाश टेम्पल कैसे बना, कैलाश टेम्पल जब बना, सो इट वॉज लाइक नॉट कंस्ट्रक्टेड नीचे से ऊपर, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऊपर से नीचे। रीड अबाउट इट, कैलाश टेम्पल, उसका जो मलबा जो भी होता है ना, जब कुछ बनता है तो मलबा करते, कहीं नहीं मिला। तो अभी हम लोग जिस टेक्नोलॉजी पे पहुंचे उसे कहते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जिसमें ऐसे खुलती है चीज़ें, राइट, मैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट वॉट पीपल से कि जो कैलाश टेम्पल बना है वो इसी टेक्नोलॉजी से बना है, ब्रह्मास्त्र टेक्नोलॉजी से, जिसे बेसिकली न्यूक्लियर फिजन कहते हैं आज के टाइम पर, बहुत सी चीज़ें। सो बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, मे बी दिस इज मी बाई अगेन टेक्नोलॉजी जो हमें एलियंस ने गिफ्ट करी है। वाई वाई बिकॉज इसका सोर्स नहीं पता, किसने बनाया नहीं पता, इसने पूरी हजारों साल की करेंसी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रप्ट कर दिया है, जो कि इम्पॉसिबल था। अडेप्ट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, आई कैन से 4% लोग दुनिया में अडेप्ट कर चुके हैं, लेकिन मॉनिटरी पॉलिसी मनी को डिस्ट्रप्ट कर दिया। बैंक के हाथ में पावर थी कि हमें हमेशा अपने आसपास घुमाया जाएगा, आज बैंक उससे डरते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी में किसने दी, नोबडी नोज़, राइट? सो थिंक अबाउट इट, ऐसे हुआ। सत्य में कोई पैसा नहीं था, त्रेता में बेसिकली नथिंग मनी होता था, द्वापर युग से पैसा शुरू हुआ, राइट? तो कुछ तो चीज़ें थी जिसने हमें कंट्रोल कर लिया, और आज भी हम लोग कंट्रोल लेते हैं चीज़ों को लेकर। बट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम ढंग से समझते नहीं है, सब इसके अगेंस्ट है, बट ऑलमोस्ट अडेप्ट कर चुके हैं, बट एट नोबडी नोज ये कहाँ से आई। एंड लेट मी नो इन कमेंट्स, इज बिटकॉइन टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज मेड बाय एलियंस?